Hello students, in previous class we were discussed about the balancing of a chemical reaction or a redox reaction. How to balance a chemical reaction? Redox reaction जो भी है उसको balance करने के दो methods होते हैं. एक जो भी है वो आप 10th में पढ़ के आए हिट एंड ट्रायल method. उसके अलावा दो method हो रहे हैं. First आपके पास method कौन सा आता है? Ion electron method. एंड सेकेंड कौन सा आता है आपके पास? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. जो भी आपके पास बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है उसको उसके दो मेथड्स हैं. यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट आपके पास रहता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड सेकेंड आपके पास क्या रहता है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो आज अपन पहले पढ़ेंगे कि वॉट इज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. Balancing of a redox reaction. Two methods हैं. First आपके पास आता है ion electron method and second आपके पास आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. फर्स्ट आपके पास रहता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और सेकंड आपके पास क्या रहता है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो अपन इनमें बात करेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे अबाउट द आयन इलेक्ट्रोड मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हो तो वो दो मीडियम में कंप्लीट होती है. यानी कि एक तो एसिडिक मीडियम में भी बैलेंस कर सकते हैं उसको और सेकंड आप उसको बेसिक मीडियम में भी बैलेंस कर सकते हैं. तो जनरल रूल्स देखते हैं कि अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर रहे हो तो उनके रूल्स क्या क्या रहते हैं. आइए देखते हैं. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हो तो क्या क्या रूल्स रहते हैं. वैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्या क्या रूल्स रहते हैं. पहला रूल क्या आता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर रिएक्शन को कन्वर्ट करोगे आयोनिक रिएक्शन. मॉलिक्यूलर रिएक्शन को आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कौन कौन से आयंस को करेंगे या किसको करेंगे. देखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म का मीन्स क्या होगा कि आपके पास जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं वो न्यूट्रल होंगे. आयोनिक फॉर्म में अगर बात करें तो या तो उसका नेगेटिव चार्ज रहेगा या पॉजिटिव चार्ज रहेगा. मोस्ट ऑफ ऑल आपके पास जो केमिकल रिएक्शन गिवन होगी वो आयोनिक फॉर्म में ही गिवन होगी. अगर आयोनिक फॉर्म में गिवन ना हो तो उस मॉलिक्यूलर रिएक्शन को आप कन्वर्ट करोगे किसमें? आयोनिक रिएक्शन. आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उस केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट करेंगे. कौन कौन से? एक आएगा आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक पार्ट करोगे आप रिडक्शन हाफ. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करें तो वो रिएक्शन जिसमें ओनली ऑक्सीडेशन होता है उसको आप क्या कहते हो? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ओनली रिडक्शन होता है उसको आप क्या कहते हो? रिडक्शन हाफ रिएक्शन. लाइक कि अगर आपके पास ये रिएक्शन आ गई कि Zn इज कन्वर्ट टू Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. Because in this reaction Zn is oxidized, Zn is converted to Zn plus 2. And a positive charge अगर increase हो रहा है तो आपके पास क्या होगा? Oxidation. तो ionic reaction को दो part में divide करेंगे. First is oxidation half reaction और second is reduction half reaction. Oxidation half reaction क्या होता है? जिसमें only oxidation होगा उसको आप क्या कहोगे? Oxidation half reaction.
रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें तो Cu प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ आपके पास Cu का, इसको आपने क्या कह दिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, आयोनिक रिएक्शन में। आयोनिक रिएक्शन को अपन डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड सेकेंड इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सा एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो उन एलिमेंट को अपन क्या करेंगे सेपरेटली लिखेंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में और दूसरे को रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन बैलेंस करेंगे एलिमेंट्स को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी आपके पास एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है पहले, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है कि आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, गौर से सुनिएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, जिस साइड में ऑक्सीजन कम, आपके पास कोई भी रिएक्शन हो उसमें दो पोर्शन होते हैं, या तो रिएक्टेंट होगा और या आपके पास क्या होगा प्रोडक्ट होगा। तो जिस साइड में भी ऑक्सीजन कम, जितने भी ऑक्सीजन कम हो, कि मान लीजिए कि रिएक्टेंट के साइड में आपके पास 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट के साइड आपके पास 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो किस साइड कम हो गए, प्रोडक्ट के साइड। तो आप जिस साइड भी ऑक्सीजन एटम कम हो उस साइड आप क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे। उस साइड अपन क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। दोबारा बोल देता हूँ एक बार रूल्स, है ना, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर गिवन हो तो उसको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आयोनिक रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ओनली ऑक्सीडेशन हो उसको अपन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ओनली रिडक्शन हो उसको आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखोगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लाइक आपके पास ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, आपके पास मैग्नीज आ गया, आपके पास क्रोमियम आ गया, आपके पास आयरन आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस करेंगे, ओके। सेकंड क्या करेंगे, अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस साइड ऑक्सीजन कम हो उस साइड आप क्या कर दो, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर आपके पास रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो आप जिस साइड हाइड्रोजन कम हो उस साइड आप H प्लस आयन ऐड करेंगे, उस साइड आप क्या करेंगे H प्लस आयन ऐड करेंगे। कि सर फिर क्या करेंगे, फिर अपन देखेंगे कि चार्ज को बैलेंस करेंगे, और चार्ज को बैलेंस करने के बाद आप क्या करोगे कि दोनों रिएक्शन को, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड करोगे। दोनों को अलग अलग बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करना है। दोनों के लिए रूल सेम है, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट हो उसको बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और फिर चार्ज को बैलेंस करेंगे। सिंपल सी बात है, 5 आपके पास रूल्स आते हैं कि आपको मॉलिक्यूलर रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आयनिक रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और सेकंड इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स है उसको बैलेंस करना, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, और फिर चार्ज को। और उसके बाद आपको क्या करना है, रिएक्शन को, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को वापस कंबाइन कर देना है, तो ये आपके पास जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी, ओके। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है उसके रूल्स थे, है ना। अब के सर एग्जांपल बताइए, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है वो आयनिक फॉर्म में दे रखी है, सर कैसे,
MnO4 minus plus Fe plus 2 plus gives to Mn plus 2 plus Fe plus 3. इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, इस रेडॉक्स रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, और यहां पे मीडियम दे रखा है एसिडिक मीडियम प्लस आपको कह दिया ये H2O है यहाँ पे, ठीक है, और साथ में आपके पास मान लीजिए यहाँ H2SO। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे एसिडिक मीडियम, तो मैंने कहा सबसे पहले अगर आपके पास रिएक्शन सीधी आयोनिक फॉर्म में ही गिवन हो तो आप उसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अलग अलग लिखेंगे कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन सी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं बात करूँ MnO4 माइनस की और यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करता हूँ, तो x माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू आपके पास प्लस 7। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मैग्नीज है वो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास प्लस 7, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास यहाँ पे कितनी की सर प्लस 2, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मेरे पास कितनी है प्लस 2, और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मेरे पास कितनी है प्लस 2। अब रिडक्शन होता क्या है, रिडक्शन को आप क्या कहते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अपन क्या कह देते हैं इलेक्ट्रोनेशन, मीन्स किसी भी एलिमेंट के पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा हो या नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा हो तो उसको आप क्या कहते हो रिडक्शन। यहाँ पे बात करें Mn, Mn के यहाँ पे प्लस 7, यहाँ पे प्लस 2, यानी कि Mn का क्या होता है यहाँ पे कि सर Mn का यहाँ रिडक्शन होगा, Mn का यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन। मैंने कहा Fe यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, आपने कहा प्लस 2, मैंने कहा यहाँ पे Fe कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, आपने कहा प्लस 3, मैंने कहा Fe का क्या होगा सर Fe का तो ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसमें रिडक्शन हो रहा हो उस रिएक्शन को अपन कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसको अपन क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिख देते हैं। यहां देखिएगा MnO4 माइनस से Mn प्लस 2, इस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और दूसरा आपके पास क्या है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मीन्स Fe प्लस 2 से किसका फॉर्मेशन हुआ कि सर Fe प्लस 3 का फॉर्मेशन, Fe प्लस 2 से किसका फॉर्मेशन हुआ Fe प्लस 3 का फॉर्मेशन हुआ। अब बैलेंस कैसे करें, मैंने कहा पहला स्टेप क्या कहता है बैलेंसिंग में कि आपको क्या करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है। ओके, तो आप क्या करोगे कि सर यहाँ पे Mn1 है, यहाँ पे भी Mn1 है, यानी कि एलिमेंट बैलेंस है। यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे भी Fe1 है, यानी कि यहाँ पे भी आपके पास एलिमेंट क्या है बैलेंस है। अब मैंने कहा आप ऑक्सीजन बैलेंस करोगे, तो सर कैसे करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 0, तो ऑक्सीजन किस साइड कम है, ऑक्सीजन कम है प्रोडक्ट की साइड यानी कि इस साइड, तो आप इस साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, तो आपके पास क्या आएगा MnO4 माइनस सॉरी गिव्स टू Mn प्लस 2 प्लस 4H2, MnO4 माइनस गिव्स टू Mn प्लस 2 प्लस 4H2O, 4H2O क्यों ऐड करा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे इसके कारण से 4H2O ऐड करा। अब दोनों साइड में यानी कि रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या आ चुके हैं बैलेंस, यहाँ पे Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 एलिमेंट भी बैलेंस है, ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो भी आपके पास क्या रहेगा बैलेंस रहेगा। अब अपन हाइड्रोजन बैलेंस करें, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं सर 8 है, यहाँ पे कितने आपके पास सर 0 है, तो आप क्या करोगे 8H प्लस MnO4 माइनस Mn प्लस 2
प्लस आपके पास क्या आ गया 4H2, Mn प्लस टू प्लस आपके पास क्या आ गया 4H2। यहाँ पे एलिमेंट भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। यहाँ पे एलिमेंट भी बैलेंस था, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे चार्ज को बैलेंस। लास्ट स्टेप क्या रहा था आपके पास कि आप करें चार्ज को बैलेंस। चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे, अब देखिएगा, मैं रिएक्टेंट के साइड चार्ज देखता हूं और मैं प्रोडक्ट के साइड चार्ज देखता हूं। रिएक्टेंट के साइड देखता हूं तो प्लस का 8 तो ये आ गया और माइनस का 1 ये आ गया। प्लस का 8 और माइनस का 1 दोनों को अगर देखूंगा तो मेरे पास कितना चार्ज रहेगा कि सिर्फ प्लस 7 रहेगा। प्लस 8 में से माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस 7। यहां पे चार्ज कितना है कि सर यहां पे चार्ज हमारे पास है प्लस का 2। चार्ज यहाँ कितना है मेरे पास, प्लस का 2। अब इन दोनों के साइड यानी कि या तो मैं क्या करूं कि इस साइड में जो चार्ज है वो प्लस 2 करूं या इस साइड जो चार्ज है वो प्लस 7। तो इस साइड प्लस 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। मैं अगर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 नेगेटिव चार्ज और आ गया तो 7 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस से Mn प्लस 2 प्लस क्या मिला 4H2। अब इसमें क्या हो रहा, आपके एलिमेंट भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। दोनों साइड जो चार्ज है वो आपके पास कितना है, प्लस 2 और प्लस 2 के। सर कैसे, 5 नेगेटिव ये, 1 नेगेटिव ये, टोटल नेगेटिव कितना हो गया 6, प्लस का आपके पास क्या हो गया 8, प्लस का 8 माइनस का 6 आपके पास क्या रहा, प्लस का 2। और यहाँ पे भी चार्ज कितना है, प्लस का 2। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे चार्ज कितना है कि सर प्लस 2, यहाँ पे चार्ज कितना है कि सर प्लस 3। अब यहाँ पे भी चार्ज बैलेंस करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ कि सर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ तो अब यहाँ पे प्लस 3 और माइनस 1 होकर कितना चार्ज हो गया, प्लस 2। यानी कि प्लस 2 यहाँ हो गया, प्लस 2 यहाँ हो गया, यहाँ आप देखोगे तो प्लस 2 यहाँ हो गया और प्लस 2 यहाँ हो गया। यानी कि दोनों रिएक्शन में यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आपके पास एलिमेंट भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और चार्ज भी बैलेंस है। अब इन दोनों रिएक्शन को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिएक्शन मिलेगी वो आपके पास क्या रहेगी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। देखिएगा एग्जांपल, Cr2O7-2 प्लस आपके पास क्या है SO2, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है Cr+3 प्लस आपके पास SO4-2। ये आपके पास अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, उसको आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा इसमें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा, 2x minus 14 equals to minus 2, 2x equals to plus 12, x equals to आपके पास क्या आ जाएगा, +6। x equals to आपके पास क्या आ गया, +6। यानी कि यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी आ रही है कि सर +6 आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है कि सर +3 आ रही है। SO2 में सल्फर की +4 आ रही है और यहाँ पे सल्फर की कितनी आ रही है, +6 आ रही है। तो रिडक्शन किसका होगा, क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका तो क्या हो गया आपके पास, रिडक्शन। SO2 से SO4-2 बन रहा है, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिखेंगे, एक साइड आप लिख लो रिडक्शन हाफ रिएक्शन और एक साइड आप लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है, Cr2O7-2 से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, Cr+3 का, और एक साइड आप लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, SO2 है, SO2 से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, SO4-2 का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो मैंने कहा सबसे पहले आप क्या है एलिमेंट को बैलेंस करोगे कि यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट हो सबसे पहले आप उसको बैलेंस करोगे कि यहाँ पे कितने क्रोमियम है कि सर यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे कितने क्रोमियम है कि सर यहाँ पे 1 क्रोमियम है, तो आप इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 7, Cr2O7-2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है कि सर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे 7H2O यानी कि 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, क्रोमियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए 14, तो आप क्या करोगे 14H+ Cr2O7-2 2Cr+3 प्लस क्या आ गया आपके पास 7H2, क्रोमियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, यहां पे 7 था यहां पे था नहीं तो 7H2O, ऑक्सीजन बैलेंस के बाद हाइड्रोजन बैलेंस। अब देखेंगे चार्ज कि टोटल चार्ज कितना है, तो देखिएगा यहां पे चार्ज की बात करें 2Cr+3, एक क्रोमियम पे प्लस 3 चार्ज है, तो 2 मोल ऑफ क्रोमियम पे चार्ज कितना हो जाएगा कि प्लस का 6, यहाँ पे चार्ज कितना है 14 प्लस का माइनस का आपके पास क्या है 2, यानी कि यहाँ चार्ज है प्लस का 12, यहाँ प्लस का 12, यहाँ प्लस का 6, या तो आप यहाँ पे प्लस का 12 करो, तो प्लस करने के लिए हमेशा H प्लस ऐड करने पड़ेंगे, और H प्लस ऐड करोगे तो वो फिर बैलेंसिंग नहीं होगी अच्छे से, तो अपन क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, किस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे रिएक्टेंट के साइड, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H+ Cr2O7-2, उससे आपको क्या मिला 2Cr+3+7H2O, तो ये तो आपके पास कौन सी रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में चलते हैं कि उसको कैसे बैलेंस करेंगे, कि आपके पास है SO2, SO2 से SO4-2, रिएक्टेंट के साइड कितना ऑक्सीजन के साथ 2, प्रोडक्ट के साइड कितना ऑक्सीजन के साथ 4, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो क्या लिखोगे आप 2H2O। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने आ गए 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने आपके पास 0, तो 2H2O प्लस SO4-2 प्लस आप क्या करोगे 4H+। अब इस साइड तो कोई चार्ज है ही नहीं, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं, इससे भी कोई चार्ज नहीं, यहाँ चार्ज कितना -2, यहाँ चार्ज कितना 1 हाइड्रोजन पे +1, तो 4 हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा कि सर +4, तो +4-2 यानी कि आप 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो होगा क्या कि टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितने हो गए 4, और टोटल पॉजिटिव चार्ज भी आपके पास कितने हो गए 4, ये बैलेंस हो गए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये बैलेंस हो गए रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एलिमेंट बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, चार्ज बैलेंस। अब दोनों रिएक्शन को आपको ऐड करना है, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए भैया, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन के सर यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन के सर यहाँ पे 2, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 3 से, कि सर 3 से क्यों करा, 3 से इसके लिए करा कि अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6, जो इसमें भी 6 है, तो देखेगा क्या आएगा 6H2O प्लस 3SO2 gives to 3SO4-2 plus 12H+ plus 6 इलेक्ट्रॉन। यहां तक अगर समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। जल्दी कीजिए। अब देखिए दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। दोनों को आप ऐड करोगे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H+ प्लस Cr2O7-2 2Cr+3 प्लस 7H2, ये देखिएगा 6H2O
3SO2 gives to 3SO4 minus 2 plus 12X plus 6 electron. जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर दो. 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट है ना, 12 हाइड्रोजन से 12 हाइड्रोजन कैंसिल आउट, यहां कितने रह गए 2H plus. 12 प्रोडक्ट के साइड है, 14 हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड है, तो उसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे आपके पास, 6H2O से 7H2O में से 6 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, H2O रह गया. अब बाकी आपके पास जो बचा है वो लिख दीजिए, यहाँ पे 3SO2 प्लस Cr2O7 माइनस 2, उससे आपको क्या मिला 2Cr प्लस 3 प्लस H2O प्लस 3SO4 माइनस 2, ये आपके पास रिएक्शन बैलेंस हो गया. ये सर कैसे एक बार बता दीजिए, 7 आपके पास यहाँ पे 7 ऑक्सीजन तो ये हो गए और 6 ऑक्सीजन ये हो गए, तो टोटल ऑक्सीजन कितने रह गए आपके पास 13, 7 ये 6 ये, टोटल कितने रह गए 13. यहाँ पे देखिएगा 4 3 12 ऑक्सीजन ये रहे, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए 13, 13 ऑक्सीजन उधर 13 ऑक्सीजन इधर. क्रोमियम कितने के सर 2, यहाँ पे भी क्रोमियम कितने 2, यहाँ पे आपके पास सल्फर कितने 3, यहाँ पे भी सल्फर कितने 3, हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने रह गए आपके पास 2 रह गए. अब बात करते हैं सब चीज बैलेंस हो गई. अब आप चार्ज देख लीजिए, चार्ज देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे चार्ज कितना आएगा कि माइनस का 2 और एक हाइड्रोजन पे प्लस 1 है तो 2 पे कितना हो जाएगा प्लस 2, यानी कि चार्ज कितना आ गया यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस का 6 और यहाँ माइनस का 6, चार्ज यहाँ पे भी 0, यानी कि दोनों साइड में दोनों रिएक्शन में चार्ज भी बैलेंस हो रहा है, एलिमेंट्स भी बैलेंस हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या रहेगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन रहेगी. तो बैलेंसिंग का फर्स्ट मेथड था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसमें भी कौन सा मेथड था कि आप कैसे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करते हो, एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्शन बैलेंस करते हैं उसका था. कि एक ध्यान रखना कि दोनों रिएक्शन को जब आप भी ऐड करो, जब भी ऐड करो रिडक्शन हाफ रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में इक्वल होना चाहिए. कि सर यहाँ पे 5 आ गए और यहाँ पे 2 आ गए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10. कि सर इसका कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि इससे पूछ सकते हैं कि भाई कितने मोल SO2 की रिक्वायरमेंट होगी कि CR का वो क्या कर दे, रिडक्शन कर दे. CR जो यहाँ पे प्लस 6 से कहाँ चला गया, प्लस 3 में चला गया, तो कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी, कि सर 3 मोल की, तो 3 मोल SO2 की रिक्वायरमेंट होगी जिससे क्रोमियम जो है उसका क्या हो जाए, रिडक्शन, यानी कि प्लस 6 से प्लस 3 में चला जाए. ओके, तो कल अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में और क्या कहता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना. एक मेथड रहा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और एक इसी में ही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आपके पास क्या आएगा कि बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शन बैलेंस करते हैं, मेंशन होगा कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या आपके पास बेसिक मीडियम में हो रही है. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.